बरेली में एक बार फिर खालिस्तान के समर्थन में ग्राम प्रधान मोहनपुर के छोटे भाई आसिफ ने खालिस्तान का समर्थन करते हुए एक स्टेटस पोस्ट किया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन करनी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने भारी रोष व्यक्त किया है। ट्विटर के माध्यम से शिकायत की है कि उपरोक्त ग्राम प्रधान के भाई पर देशद्रोह का मुकदमा लिखकर तत्काल उसकी गिरफ्तारी की जाने की मांग की है, जिससे कि भारत में रहने वाले लोग खालिस्तान का समर्थन न करें। करनी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने देश विरोधी स्टेटस से नारे लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करनी सेना का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियां करेगा तो उसे करनी सेना सख्ती से पेश आएगी। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा करनी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने। थाना कैंट के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मोहनपुर, उस मोहनपुर के प्रधान है, उनका भाई है आसिफ, उसकी ओर से एक स्टेटस लगाया गया जो साफ तौर से जाहिर होता है खालिस्तान का वो समर्थन कर रहा है। इस तरीके से भारत के अंदर रहकर और भारत का खाकर और खालिस्तान का समर्थन करना, ये साफ जो है दर्शाता है कि किस किस्म के ये लोग हैं। आज हम नकड़िया चौकी आए हैं, चौकी इंचार्ज से मुलाकात नहीं हुई, इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई है और मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि और लोग जो हैं इस तरीके का समर्थन ना करें। कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस तरीके का कृत्य करने वालों से जो है पुलिस सख्ती से निपटेगी और उनने जिलाधिकारी और कप्तान को स्वयं आदेश भी कर रखे हैं, उसके बावजूद भी है सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कौन जगह है ये, किस जगह के व्यक्ति हैं, क्या कहें? ये गांव पड़ता मोहनपुर, मोहनपुर के कोई प्रधान है, उनका भाई है आसिफ, उसकी ओर से एक स्टेटस लगाया गया। तो क्या मांग करते हैं? देखिए, करनी सेना का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के जो सांप जो फन उठाकर डसने का काम कर रहे हैं, अगर इन्हें अभी नहीं कुचला गया तो आगे चल के बहुत बड़ा घटना को ये अंजाम देंगे और जिसका मंजर जो है उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। रिपोर्ट, देवेंद्र पटेल, बरेली।